Good morning, students. Now today we'll start with the next topic of the plus one bio. That is, the topic is connective tissue, right? Next topic is connective tissue. It is on the page number 102 and 103 in your NCERT book. So I will just discuss some main points which you have to learn, clear, for the examination point of view. Now firstly, why its name is connective tissue? Iska naam connective tissue kyun rakha gaya? Now the reason is that because this tissue is the link, or these tissues will link and support, ye sare tissues ko link karenge beta and support other tissues, baki tissues ko join karne ka kaam karenge, उनको सपोर्ट करेंगे और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, क्लियर, चाहे वो ऑर्गन्स को आपस में अटैच करना हो या टिश्यूज को अटैच करना हो, सो दिस टिश्यू विल डू दैट जॉब. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कनेक्टिव टिश्यू. दैट्स व्हाई इट्स नेम कनेक्टिव टिश्यू, राइट. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर कार्टिलेज. यू नो कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट टिश्यू. इट इज फाउंड एट द टिप ऑफ योर नोज. आप अपने नाक की टिप को टच कीजिए, यू कैन फील कार्टिलेज. और नोज का थोड़ा ऊपर का पार्ट टच कीजिए, बोन. कार्टिलेज और बोन में यही डिफरेंस रहता है बेटे. कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट एंड बोन इज अ हार्ड, राइट. देन एडिपोज एंड ब्लड, दीज आर द फोर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन योर सिलेबस, राइट. नाउ आउट ऑफ दीज फोर टिश्यू, दीज थ्री टिश्यूज, कार्टिलेज, बोन एंड एडिपोज, दे विल सिक्रीट फाइबर्स. दीज थ्री टाइप ऑफ टिश्यूज, इनके जो सेल्स रहेंगे, दे विल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, क्लियर, जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, एक खास तरह के फाइबर्स बनाते हैं बेटा. एंड वी कॉल दोज फाइबर्स कॉलेजन फाइबर्स और इलास्टिन. उन फाइबर्स का नाम क्या है? कॉलेजन और इलास्टिन, राइट. नाउ दीज फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ. अब ये जो फाइबर्स बनाएंगे उनका काम क्या रहेगा? These fibers will provide strength, उनको strength provide करेंगे. Elasticity, flexibility. Elasticity का मतलब अगर bend वगैरह होते हैं थोड़े, जैसे elastic होता है ना, तो easily आप उसको stretch करो फिर अपनी original position पे आ जाएगा. So that is elasticity. वो भी कौन देगा? Collagen fibers. And flexibility to the tissue. तो ये जो fibers बनेंगे special, जिसको हम collagen fibers बोल रहे हैं, उनके तीन main functions रहेंगे बेटा, to provide strength, elasticity and flexibility. Now these cells secrete modified polysaccharides. अब इनके जो cells हैं वो एक polysaccharide secrete करते हैं, which is a modified, which collects between the cells, जो cells के बीच में इकट्ठा हो जाता है बेटे, और fibers के बीच में भी, and that act as a matrix. उसको हम क्या बोलते हैं? Matrix, right? Now the connective tissue is basically three types, right? Number one, loose connective tissue. Number two, dense connective tissue. And third is specialized connective tissue, right? Now let's see about the first, that is loose connective tissue. Now loose connective tissue, cells and fibers are loosely arranged. इसीलिए इसको loose connective tissue कहा जाता है बेटे. इसमें जो सेल्स होते हैं और फाइबर्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ठीक है, खुले खुले होते हैं. लूजली अरेंज इन द मैट्रिक्स, राइट. इसमें जो सेल्स हैं और फाइबर्स हैं, दे ऑल आर लूजली अरेंज इन द मैट्रिक्स. एग्जाम्पल इज एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू लाइज अंडर द स्किन. एरियोलर एंड एडिपोज दोनों ही स्किन के नीचे होते हैं वैसे, ठीक है. एंड इट हैज़ फिब्रोब्लास्ट. इनके अंदर क्या रहेंगे बेटा? स्पेशल सेल्स. फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो फाइबर्स बनाते हैं, वी कॉल देम फिब्रोब्लास्ट, राइट. उसके बाद आता है बेटा एडिपोज टिश्यू. ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है. इसके अंदर, ये भी स्किन के नीचे है, इट ऑल्सो लाइज अंडर द स्किन. अब इसका मेन काम रहता है फैट को स्टोर करना. जो भी आप खाना खाते हो, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, वो आपकी स्किन के नीचे इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो जाता है, क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट. एज फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर, डेंस मीन्स इसमें फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट दोनों तरह के सेल्स जो है बेटा वो
कम्पैक्टली, बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। इफ़ फाइबर्स शो रेगुलर पैटर्न, अगर जो फाइबर्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में है, जैसे मान लीजिए ऐसे लाइन्स में है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न में है, देन वी कॉल दैट रेगुलर डेंस रेगुलर टिश्यू, क्लियर। और अगर वो इरेगुलर पैटर्न में है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, देन वी कॉल इट इरेगुलर डेंस टिश्यू, राइट। नाउ एग्जाम्पल इज tendons and ligament, these are also the two examples of the dense connective tissue. Now tendons, these two are very important, ye papers mein bahut baar aate hain bete. Ab tendons kya hote hain, unka kaam kya rehta hai, they will attach skeleton muscles to the bones. Aapki haddiyon ke upar jo muscles hote hain unko ye attach karte hain tendons, right. Ligaments kya hote hain, ye haddiyon ko haddiyon se attach karte hain, they will attach bones to bones, clear. So that is the difference in tendons and ligament. This is a very important question. Next is specialized connective tissue, clear. Specialized connective tissue A. Now next is specialized connective tissue. Examples are cartilage, bones and blood. These are the three type of specialized connective tissue. Now if we just see the cartilage, in case of cartilage, clear, the matrix or inner cellular material, jo cells ke beech mein beta material rahega, that is solid and resists the compression, clear. And cells are present in the small cavities, in which the cells rahenge, they are present in the small cavities, clear. And examples of the cartilage you can find, as I already told you, at the tip of your nose, clear. Joints pe jo yahan pe do joints hote hain, at end of the bones yahan pe aapko cartilage milega, clear. Limbs and the hands in the adults you can get it. Next is bones, क्लियर। बोन्स में जो है द ग्राउंड सब्सटेंस इज वेरी हार्ड, क्लियर, हार्ड ग्राउंड सब्सटेंस, इट हैज हार्ड ग्राउंड सब्सटेंस, क्लियर, बहुत ही हार्ड रहता है इसका मैट्रिक्स, एंड इट इज रिच इन कैल्शियम एंड कॉलेजन फाइबर्स, क्लियर। जो इसका मैट्रिक्स रहेगा उसमें काफ़ी कैल्शियम रहेगा और कॉलेजन फाइबर्स रहेंगे, ठीक है, विच मेक्स अ बोन स्ट्रांग, क्लियर। नाउ इट्स मेन फंक्शन क्या रहता है इसका, to give the structural frame to the body, जो आपकी body का जो main frame है, form frame, clear, it forms a frame, it forms main frame of your body, clear, and they will support and protect the softer tissues and organs. Bone का काम रहता है आपकी body में जितने भी soft tissues हैं या organs हैं उनको support करना, clear. जो bone cells होते हैं बड़े osteocytes, what is the name of bone cells, osteocytes, वो खास स्पेसेस में पड़े रहते हैं, खाली जगह होती है बोन्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, उनको हम लेक्यूनी बोलते हैं, क्लियर। एंड दीज यू नो बोन्स आर प्रेजेंट इन योर होल बॉडी, लिम्ब्स आपकी हड्डियों में और सारे, ठीक है, टांगों में होती हैं, आर्म्स में होती हैं, एंड दे विल फॉर्म द टोटल फ्रेमवर्क। और जो लार्ज हड्डियाँ होती है बेटे, लार्ज बोन्स होती हैं, उनके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, उसके अंदर एक खास टिश्यू होता है बोन मैरो, क्लियर, एंड दैट बोन मैरो विल फॉर्म द ब्लड सेल्स। ये बात अपने याद रखनी है कि ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, इन द बोन मैरो। एंड नाउ द नेक्स्ट इज ब्लड, क्लियर, नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज टिश्यू ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आपके तीन तरह के सेल्स मिलेंगे, आर बी सीज, डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स, क्लियर, थ्री सेल्स आर देयर, आर बी सीज, डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स, क्लियर। और ये तीनों तरह के सेल्स एक खास फ्लूड में घूमते रहेंगे, वी कॉल इट प्लाज्मा, क्लियर, फ्लूड इज प्लाज्मा। अब ब्लड का काम क्या रहता है, इट सर्कुलेट्स ऑल द थिंग्स इन योर बॉडी, आपका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है बॉडी का, सो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। थैंक्स।